दोनों हाथों को हवा में उठाकर एक बार और बोलने सुभान अल्लाह, मतलब हाजिर करता हूँ, सुने। कोई बताए दरियाओं को ऐसी रवानी किसने दी। क्या बात है, थोड़ा सा स्टेज शरीक हो जाएगा तो अच्छा लगेगा। पेश करता हूँ, सुने। कोई बताए दरियाओं को ऐसी रवानी किसने दी, किसने चमकता दिन बख्शा है रात सुहानी किसने दी, किसने चमकता दिन बख्शा है रात सुहानी किसने दी, नन्हे मुन्ने पौधों को गुलशन में जवानी किसने दी, नन्हे मुन्ने पौधों को गुलशन में जवानी किसने दी। अच्छा लगेगा, मुझे भी मजा आएगा, और आप हजरात भी थोड़ा सा देखिए, कोई शायर वायर पढ़ता वढ़ता नहीं है, ये सामयिक जब अच्छा सुनते हैं तो शायर ऑटोमेटिक पढ़ना शुरू कर देता है, और उसके हौसला जब बढ़ती है तो अच्छा लगता है। आप हजरात सुभान अल्लाह बोलेंगे, ला इलाहा इल्लल्लाह बोलेंगे मेरे साथ, तो आपके नामे अमाल में इजाफा हो जाएगा। हाजिर करता हूँ, एक और बंद पढ़ता हूँ, समाज फरमाए के सोचो जरा, सोचो जरा, फिरौन के घर में मूसा को पाला किसने। शिरकत कीजिएगा, एक एक लाइन इंशाल्लाह आप सबके जहन तक पहुंचेगी। पेश करता हूँ, सुने। के सोचो जरा, फिरौन के घर में मूसा को पाला किसने। गौर करो मछली के शिकम में यूनुस को रखा किसने, गौर करो मछली के शिकम में यूनुस को रखा किसने। पहले आग में डाला और फिर आग को फूल किया किसने, पहले आग में डाला और फिर आग को फूल किया किसने। उनके नाम के गुन गाते हैं, चाहते हुए मुफ्ती वाए अकरम साहब तशरीफ फरमा है, सदर जमीयत उलमाए हिंद हजरत वाला की भी मैं दुआएं चाहता हूँ, एक बंद पहुंचा रहा हूँ, समाज फरमाए। कि जिनको आना था वो आ गए, सिर्फ कयामत बाकी है। जिनको आना था वो आ गए, सिर्फ कयामत बाकी है। सूरज के शोले कहते हैं हश्र की शिद्दत बाकी है, सूरज के शोले कहते हैं हश्र की शिद्दत
हकीकत बाकी है, मौत जिसे कहती है दुनिया वो भी हकीकत बाकी है। पहुंचता लेकिन हजरत की मोहब्बत इंशाल्लाह मैं पढ़ूंगा, लेकिन थोड़ा सा माहौल बना दे, आखिरी बंद पढ़ता हूँ, नाते पाक के लिए मुझे अच्छा सा माहौल चाहिए, पेश करता हूँ, सुने। सूरह यासीन पढ़ कर कर लो अपने दिल को नूरानी। कारी साहब भी तशरीफ फरमा है, हाजिर करता हूँ बतौर खास आपके हवाले से कि सूरह रहमा पढ़ कर कर लो अपने दिल को नूरानी। रोशन रोशन कल्ब जिगर हो जगमग जगमग पेशानी। रोशन रोशन कल्ब जिगर हो जगमग जगमग पेशानी। दिल में खुदा का नाम बसा लो, बात करो तुम कुरआनी। दिल में खुदा का नाम बसा लो, बात करो तुम कुरआनी। कबल चाह रहा हूं सिर्फ चार मिसरे आप तक पहुंचा दूं, इजाजत है, बोलिए जरा सा सारे लोग, कितने लोग सुनना चाहते हैं बताएं। ये पीछे जो बैठे हुए हैं चौकीदार हजरात, आप हजरात नहीं सुनना चाहते क्या? क्या बात, पीछे वाले जो बैठे हैं आप हजरात भी थोड़ा सा हाथ उठाकर इजाजत दे दीजिए और बोल दीजिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पेश करता हूँ यहाँ से चार मिसरे पेश करता हूँ, सुने। मोहब्बत क्या चीज है, किस तरह कहने की कोशिश की है चार मिसरों को। इनायत डॉक्टर शहबाज साहब माशाल्लाह, देखिए भाई डॉक्टरों से बड़ा डर लगता है मुजाहिद भाई, कि अल्लाह जब नाराज होता है तो डॉक्टर के पास भेजता है, लेकिन डॉक्टर जब नाराज होता है तो सीधे अल्लाह के पास भेज देता है। लेकिन ये डॉक्टर साहब वो ऐसे नहीं है, बड़ी मोहब्बतों से नवाज रहे हैं और हमदे बारी ताला सुनकर उस पर सुभान अल्लाह कहना माशाल्लाह कहना ये सवाब हमें मिल रहा है, आपको भी मिल रहा है, इबादत हो रही है। खूबसूरती से मैं चार मिसरे पढ़ता हूँ कारी साहब, ये चार मिसरे आपके हवाले हैं। कारी साहब देखिएगा, मुफ्ती वैस साहब, मौलाना मुफ्ती नजमुद्दीन साहब, मुफ्ती इजहार साहब, इफ्तिखार साहब, सबके हवाले से पढ़ता हूँ। के मुशफिको मुखलिसो मेहरबान लिख दिया। देखिएगा चार मिसरे बतौर खास, के मुशफिको मुखलिसो मेहरबान लिख दिया ने। इसकी आवाज दीजिए, ये जो नाजिम साहब का ये छोटा वाला जो माइक है इसकी आवाज आप ठीक करिए, हमको कह दीजिए कि सिर्फ ये कद में छोटा है, पद में बड़ा है। हाँ आवाज है ना मुझे, ठीक है ठीक है, थोड़ा सा इसकी आवाज में बराबर दे, हाँ दोनों की बराबर है बिल्कुल। पेश करता हूँ उसने चार मिसरों के लिए इजाजत, कर रहा था पूरा मजमा मचल कर बोल दे पर सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।
किया नेमतों का मुकम्मल जहां लिख दिया। बहुत शुक्रिया माशाल्लाह, बड़ी अच्छी समाते हैं, बहुत दिल से सुन रहे हैं और बड़ी मोहब्बतों से नवाज रहे हैं। मैं इनाम का मुतालबा बिल्कुल नहीं करूंगा आपसे, बस आपका साथ मांगता हूं कि सुभान अल्लाह बोलकर इस बच्चे का साथ दे देंगे। आदिर करता हूं, यहां से मतलब सुने। रंग में रंग जाओ मिलेगा, रिपीट देंगे तो अच्छा लगेगा इंशाल्लाह। इसके रंग में रंग जाए जब अफकार तो खुलते गए, वो लामों पे वो असरार के रहते गए, वो तौसीफ को सनाए शहे अबरार में हर लहजा को दरबार। पूरा मतलब साथ दे बोले सुभान अल्लाह। वही उम्मीद कभी सुनियो मुत्तलबी दुआ।